आचार संहिता खत्म होने के बाद ही प्रदेश में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। भोपाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल पर जाने की बात कही। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सरकार ने कई वादे किए थे लेकिन अब तक उन वादों को पूरा नहीं किया। कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से अब तक नहीं जोड़ा गया है। इसी के साथ अनियमित कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी वादा किया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार अब भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में कर्मचारी संघ भूख हड़ताल का सहारा लेंगे, जिसमें लाखों कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों का ये धरना प्रदर्शन है 11 सूत्री मांगों के समर्थन में है, क्योंकि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, जिसकी समय सीमा भी निकल गई है। मात्र 20 दिन बचे हैं और सरकार ने अभी किसी प्रकार की कार्रवाई कर्मचारी हित में नहीं करी है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ाया गया था उसको भी कम कर दिया है। राज्य सरकार ने ग्रेजुटी बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है। राज्य सरकार अनियमित कर्मचारियों का अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रही है। सभी कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। 11 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर हम आज यहाँ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना दे रहे हैं। और राज्य सरकार यदि अब भी हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर मंजूर नहीं करती है तो अगले चरण में सभी कर्मचारी भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।